सेंट्रल जेल से फरार हुए 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने बीती रात पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से मोटरसाइकिल और अवैध हथियार भी बरामद हुआ है। थाना फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र के गांव खनी नवादा निवासी हरपाल पुत्र तिलक राम को पुलिस ने बीती रात इज्जत नगर थाना क्षेत्र में अहलादपुर पुलिस चौकी के अदलकिया जंगल में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी मौका देखकर फरार हो गया। याद हो कि हरपाल 10 अक्टूबर को सेंट्रल जेल से फरार हुआ था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की और फिर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। बीती रात पुलिस को सूचना मिली कि वो अदलकिया के जंगल में मोटरसाइकिल पर मौजूद है। तब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में हरपाल के दाहिने पैर में गोली लगी। तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए। हरपाल को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय कारागार जनपद बरेली से एक सिद्ध दोष बंदी जिसका नाम हरपाल सन ऑफ तिलक राम है, वह फरार हुआ था। इस प्रकरण में जेल प्रबंधन द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिस पर थाना इज्जत नगर में एक मुकदमा लिखा गया सुसंगत धाराओं में। मुकदमा लिखने के उपरांत जो फरार कैदी है उसके ऊपर इनाम भी हुआ 25,000 रुपये का। इस इनामिया अपराधी को आज दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को थाना इज्जत नगर की पुलिस ने मुठभेड़ उपरांत गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के दौरान अपराधी द्वारा पुलिस पर फायर किया गया, जिसके जवाब में और आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा भी उस पर फायर किया गया, जिसमें उसके पैर पर गोली लगी है और जो कैदी है उसे गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।